सर, आज आप बाबा केदार के दर पर आए हैं, क्या कुछ प्लान है, क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे? देखिए, बाबा केदारनाथ जी का आदेश आया, हम उनके श्री चरणों में यहाँ पर आज दर्शनार्थ पहुँचे हैं। कल से इस पावन धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। यद्यपि मुझे काफ़ी दिनों के बाद उत्तराखंड आने का और 11-12 वर्ष के बाद केदारनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, लेकिन 2013-14 में जो त्रासदी यहाँ पर आई थी, उस त्रासदी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार का जो एक कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, श्रद्धालुजनों का विश्वास इतने शीघ्र बहाल करने में यहाँ की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो सफलता प्राप्त की है वो अभिनंदनीय है। मैं इसे बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद मानता हूँ, उनकी कृपा मानता हूँ और सचमुच मैं बहुत दिनों से सोचता था, जब भी मैं नियमित पूजा में बैठता था तो अक्सर मेरे पूजा के समय में मैं इस बात को देखता था कि इस धाम के दर्शन मुझे होते थे और 2 दिन पहले ही मुझे उत्तराखंड सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में कहा कि केदारनाथ धाम के अब शीतकालीन कपाटबंदी की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुजनों के लिए एक यात्री विश्रामालय का, अतिथि विश्रामालय का निर्माण कार्य भी करना है। अगर ये दोनों काम एक साथ हो जाए तो दीपावली से का शुभ अवसर, मुझे लगता है कि इससे अच्छा दूसरा कोई शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता था और इसलिए आज मुझे यहाँ पर बाबा केदारनाथ के दरबार में आकर के उन्हें शीश नवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं देवभूमि को भी प्रणाम करता हूँ। बाबा केदारनाथ जी के इस भव्य दरबार में उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने इस पौराणिक महत्व की श्रद्धा के केंद्र के पुनरुद्धार की रूपरेखा तैयार करवाई और अपने मार्गदर्शन में आज यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में आज ये कार्य सफलतापूर्वक यहाँ पे संपन्न हो रहा है। ये सचमुच श्रद्धालुजनों के विश्वास को बहाली करने के साथ साथ भारत की अस्मिता और भारत के सांस्कृतिक केंद्रों और मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना और उसके प्रति एक विश्वास को पुनर्स्थापित करने का एक बेहतरीन माध्यम है। यही आस्था भारत को भारत बनाने में मदद करती है। आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बाबा केदारनाथ जी के प्रति विनम्र यहाँ पर उनसे निवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश वासियों के कुशल क्षेम और मंगलमय जीवन की कामना करने के लिए उत्तराखंड वासियों का और पूरे देश में सुख चैन और सुरक्षा का जो वातावरण है यह इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की महाताकत बने, यह कामना के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं उत्तराखंड सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने हमें आने का यह अवसर प्रदान किया है।